बिजोलिया में कुछ ग्राम वासियों द्वारा राजनीतिक द्वेषतावश व भ्रष्टाचार की नीयत से ग्राम पंचायत के सरपंच को दबाव में लेकर पंचायत से अपना निजी कार्य नियम विरुद्ध करवाने को लेकर गुरुवार को कस्बे वासियों ने सरपंच के पक्ष में लामबंद होकर एक ज्ञापन एसडीएम को प्रेषित किया। ज्ञापन में बताया कि राजनीतिक द्वेषतावश कुछ लोगों द्वारा पूर्व में ग्राम पंचायत के खिलाफ एक गलत ज्ञापन दिया गया, जिसके कारण ग्राम पंचायत के कार्य बाधित होते हैं। कुछ लोभी किस्म के लोग पंचायत प्रशासन से नियम विरुद्ध गलत काम करवाना चाहते हैं। स्वार्थी लोगों की वजह से ग्राम की जनता आहत है। ज्ञापन में बताया कि सभी ग्रामवासी वर्तमान पंचायत द्वारा कराए गए कार्यों से पूर्ण रूप से संतुष्ट है। वर्तमान पंचायत से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। वर्तमान पंचायत की सरपंच पूजा चंद्रवाल के नेतृत्व में सड़क निर्माण, पानी की पाइपलाइन, रोड लाइट सहित अनेक विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। बावजूद इसके कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा प्रशासन को गलत तरीके से ज्ञापन देकर विकास के काम को बाधित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं वार्ड 4 व 5 के लोगों द्वारा भी इस तरह का ज्ञापन देकर पंचायत के द्वारा करवाए विकास कार्यों के प्रति संतुष्टि जाहिर की। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य हितेंद्र सिंह राजोरा, योगेश जैन, पंकज जैन, देवेंद्र लक्षकार, प्रहलाद सोनी, घनश्याम सिंह कानावत के साथ ही अनेक व्यक्ति मौजूद थे। वार्ड नंबर 4 के और 5 के निवासियों की तरफ से आज हमने ज्ञापन दिया है आदरणीय तहसीलदार साहब के नाम का। हम वर्तमान पंचायत के कार्यकाल से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और विगत कई वर्षों से हम वहाँ कचरा, धूल, मिट्टी में रह रहे थे। आज हमारे वहाँ पक्का सीसी रोड है, लाइट पोल पर लाइट है, हर सफाई, साफ सफाई की सारी व्यवस्थाएं हैं। हम इस वर्तमान पंचायत के कार्यकाल से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। वार्ड नंबर 4 और 5 के वासी वर्तमान पंचायत के कार्यकाल से पूरी तरह संतुष्ट और पूरी तरह खुश हैं, क्योंकि हमारे वार्ड की ऐसी दशा थी 35 सालों तक हमने कोई रोड नहीं देखा। पीली मिट्टी के ढेर, बच्चे मिट्टी में खेलते थे, हम खुद मिट्टी में चलते थे। लेकिन वर्तमान पंचायत के आने के बाद मात्र अल्प कार्यकाल में हमें शानदार पूरे वार्ड में रोड बनाकर दिए। हम पूरे वार्डवासियों की तरफ से वर्तमान पंचायत का, सरपंच साहब का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, आभार करते हैं। और वर्तमान में विकास कार्यों को अवरुद्ध करने के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, उनसे निवेदन है, आप भी गांव की भलाई के लिए वर्तमान पंचायत को अपना कार्य सुचारू रूप से करने दें।